अरे भाई, क्या हाल, क्या बात कर रहा है? 200 रुपये में इंजेक्टर रिपेयरिंग, वो भी डीजल गाड़ी के? अबे पागल है। लो भाई, ये भी फंस गया। तुम तो नहीं फंस गए कहीं 200 रुपये के लालच में? तो क्या आप लोग को पता है कि एक डीजल गाड़ी के इंजेक्टर का कॉस्ट कितना होता है? अगर नहीं पता तो रफली बता सकता हूँ, अराउंड 15,000 से लेकर इट गोज अप टिल 30,000। तो क्या इन इंजेक्टर्स की रिपेयरिंग इतनी चीप हो सकती है? इज इट एक्चुअली पॉसिबल कि 200 रुपए में हम इंजेक्टर्स की क्लीनिंग या उसकी रिपेयरिंग करा पाए? चलो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये एक्चुअली में सच है या फिर धोखा। जब मैंने देखा कि यार ये डीजल फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी तो काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो हमें लगा यार कि इस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव टेस्ट बेंचेस चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपको अच्छे पार्ट्स चाहिए। तो क्या ये सब पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। एंड जब हमने इस चीज को फाइंड आउट करा तो हमें पता चला कि एक्चुअली में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस सेटअप को बनाने के लिए। तो गाइस, हमने जब डीजल स्पेशलिस्ट से पता लगाया तो हमें पता चला कि अगर आपके पास एक छोटी हैचबैक जितनी गाड़ी है ऐसी वाली, तो उसका मिनिमम लेबर जो चार्जेस है दैट इज 1500 to 2000। बट अगर आपके पास प्रीमियम सेगमेंट की कार है यानी कि एसी वाली, तो उसके लेबर चार्जेस जो वेरी करते हैं फॉर टेस्टिंग दैट इज 2000 to 2500 अप्रॉक्सीमेटली। और जो पार्ट्स का कॉस्ट होता है वो हमेशा आपके डैमेज पे वेरी करता है और आपकी कार में कितना आपको ट्रबल आ रहा है उस पे वेरी करता है। डीजल इंजेक्टर रिपेयर करने के लिए आपको एक अटमोस्ट एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट मशीन की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने इंजेक्टर रिपेयर करवाने जाएं तो प्लीज देखें कि क्या वहां ऐसी मशीन है या फिर कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आमतौर पर यूज करी जाती है। आपको पता चल ही गया होगा कि डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इतना भी चीप नहीं है, तो मैं तो अपने फ्रेंड को बताने जा रहा हूँ, आप लोग भी और अपने फ्रेंड्स को बताइए। चलिए हेलो। अरे भाई, तेरे लिए एक मस्त वीडियो अपलोड करा है, जा उसे जाके देख ले और फिर चेक करा लियो 200 रुपये में इंजेक्टर रिपेयर।